नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको संज्ञा की परिभाषा किस तरीके से आप लिख सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। स्पेशली ये जो परिभाषा है ये जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, मतलब ऑब्वियसली परिभाषा एक ही होगी, बट यहाँ पे जो मैं समझा रही हूँ वो समझा रही हूँ स्कूल के विद्यार्थियों के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे हम जानेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, अगर आपके पास में ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आपको लिखना है किसी व्यक्ति वस्तु, कॉमा लगाना है आपको, स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एकदम सिंपल सी साधारण जो परिभाषा है संज्ञा की वो है क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी यहां पे व्यक्ति व्यक्ति उदाहरण आपको देती हूँ, व्यक्ति जैसे मेरा नाम लिख देती हूँ मैं चारू सचिन इत्यादि। दूसरा है स्थान। स्थान क्या होगा, स्थान हो गया जैसे जयपुर, अजमेर, ये क्या हो गए स्थान। वस्तु रह गया, सॉरी वस्तु, वस्तु कुछ भी हो सकता है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बोर्ड हो गया, पेन, किताब इत्यादि। और अंतिम है भाव। भाव क्या हो गया, भाव खुश, दुखी, तो ये क्या हो जाएंगे, भाव हो जाएंगे। तो जब आपको परिभाषा पूछी जाती है कि संज्ञा की परिभाषा बताइए, तो आपको लिखना है किसी व्यक्ति वस्तु, पहले परिभाषा इतनी थी कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को, अभी भाव भी जोड़ लिया गया है, तो आपको लिखना है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भी आपको देने हैं, व्यक्ति जैसे कि आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, राधा, सीता, रमेश, राम इत्यादि। स्थान में आप लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, मुंबई, पुणे या फिर दिल्ली, अजमेर, जयपुर, राजस्थान इत्यादि। वस्तु आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि पेन, पेंसिल, चौक, बोर्ड, पर्दा, किताब, एनीथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। भाव में आप लिख सकते हैं खुशी, दुख, आश्चर्य इत्यादि जो है उन्हें भाव में लिख सकते हैं। अभी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा जो है वो तीन प्रकार का होता है मेन। देखिए अभी कैसा है, आप कौन किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप किनकी तैयारी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं पे भाव जो संज्ञा है उसके प्रकार भिन्न होते हैं, परंतु मोटे तौर पे देखें तो संज्ञा के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो इसके तीन प्रकार हैं, इनकी भी परिभाषा लेके मैं आऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये जो संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद के बारे में आपने जाना, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाता है संज्ञा की परिभाषा लिखिए और उसके कितने भेद हैं, तो आप लिख सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो है तीन प्रकार की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक समूह का बोध कराए, जातिवाचक यानी जब हम कहते हैं स्पेसिफिक, हम कहते हैं मीना, तो मीना जो है एक स्पेसिफिक लड़की है तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगी। बट हम कहते हैं अगर एक लड़की, तो लड़की जो है एक पूरा समूह है, हमने किसी विशेष लड़की का नाम नहीं लिया है, तो जहाँ पे समूह बताया जाता है वो है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जहाँ पे हमको भाव प्रतीत होते हैं, दुख का, सुख का, कोई भी अगर भाव अगर प्रतीत होता है जिससे हमें किसी भाव का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो इनकी परिभाषा जो है वो मेरे द्वारा अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।